हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो HSSC कलर कार्ड एडवर्टाइजमेंट 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 है, उसका रिजल्ट आज लेट नाइट को डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर इसमें हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी थी 4798, और इसमें अगर जनरल की वैकेंसियों की बात की जाए तो जनरल में इसकी वैकेंसियाँ थी टोटल 895। तो इसमें आप देख सकते हो एच एस जर्नल की 17 थी। तो इसकी हम कट ऑफ की बात करें तो जो जर्नली कट ऑफ रही है वो जर्नली कट ऑफ रही है 69 पर। देखो हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं, जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो SC कैंडिडेट की आ चुकी है। थोड़ा और यहाँ एक मिनट वेट कीजिए, जैसे ही आप और नीचे आते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो 69 पे गई है जर्नल की। अगर SC की बात की जाए तो SC की टोटल वैकेंसी 747, और अगर इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ रहेगी, इसकी SC कट ऑफ रही है 63 पे। अगर BCA की बात की जाए, BCA की टोटल पोस्ट थी 521, और इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो 521 पोस्ट थी BCA की, और इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ रही है 65 पे। और BCB की अगर बात की जाए तो इसकी वैकेंसी थी 334 पोस्ट, और इसकी जो कट ऑफ रही है इसकी कट ऑफ रही है 67। और वहीं अगर EWS की बात की जाए टोटल पोस्ट हैं 391, और इसमें अगर उसकी बात की जाए कट ऑफ की तो इसकी कट ऑफ रही है 66 पे। और ESM जर्नल 336 पोस्ट है, इसकी कट ऑफ रही है जो ECM जर्नल की है तो उसकी कट ऑफ जो रही है ये ESM डिसेबल 35, ECM सेल्फ 52 पे रही है। ECM SC 108 पोस्ट थी, अगर उसकी कट ऑफ की बात की जाए तो उसकी 33 पर रही है। ECM BCA की कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी डिसेबल्ड की 35 पे और सेल्फ की 46 पे रही है। BCB की बात की जाए तो 53 पे रही है, और ESM डिसेबल्ड की 23 पर रही है। OH कैंडिडेट की 62 पर रही है, HH कैंडिडेट की 52 पर रही है, VH कैंडिडेट की 60 पर रही है, और अष्टम कैंडिडेटों की रही है 47 पे कट ऑफ। ये टोटल आउट ऑफ 100 पर है, लेकिन वेटिंग लिस्ट ऑफ अभी जारी नहीं है की गई। हेलो एवरीवन, जैसे आप देख सकते हो कि ये 100 में से कट ऑफ गई है इतनी पर। अगर वेटिंग की बात की जाए तो वेटिंग अभी लगाई नहीं गई है, तो वेटिंग है जो वेटिंग शायद बाद में लगा दी जाएगी, महीने या डेढ़ महीने में, या फिर 10-15 दिन के बाद अलग आपको एक वेटिंग लिस्ट देखने को भी मिलेगी जहाँ पे कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। क्योंकि इसमें जो वो भी कैंडिडेट मिलेंगे जो वेटिंग काफ़ी लंबी जाएगी, कम से कम 2 नंबर मैक्सिमम चांस है कि जर्नल की नीचे उतर जाए, क्योंकि इसमें जो JEE के कैंडिडेट थे वो भी हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इसके सब चीज़ों को देखते हुए इसकी कट ऑफ थोड़ी नीचे रहने की संभावना है मैक्सिमम। तो इसकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको वो भी जल्दी जारी हो जाएगी, वो भी आप देख सकोगे जल्दी साइट पर दे दिया जाएगा। और ये डेट की बात की जाए तो 3 सितंबर उसका रिजल्ट आ गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी वेटिंग की बात की जाए तो वेटिंग 2 या 10 दिन के भीतर या फिर महीने में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर इसमें कैंडिडेटों की बात की जाए तो वेटिंग में काफ़ी नीचे लिस्ट आएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कम से कम 2 नंबर नीचे तक 69 पर अगर वो है तो 67 तक जर्नल वालों का आराम से हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट काफ़ी टूटेगी इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने अगर आपने भी इस फॉर्म पर आया तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे ये मेरे दोस्त का रोल नंबर है, अगर मैं पेस्ट करके दिखाऊँ तो आपको, तो यहाँ पर देख सकते हो उस कैंडिडेट का हो चुका है, ये रहा उसका रोल नंबर। तो आपने भी अगर इस फॉर्म को भरा था और लास्ट वेट कर रहे थे तो आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।